लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन्स को स्टडी करेंगे। किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में दो नॉन कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान जितनी टर्म्स होती हैं उनको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। टर्म्स बिटवीन टू नॉन कंजेक्टिव टर्म्स of geometric progression are called geometric means, ya in number g is said to be geometric mean between a and b if a g and b are in geometric progression। हमारे पास जितनी दो नॉन कंजेक्टिव टर्म्स होंगी उनके दरमियान जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। ये एग्जाम्पल देख लें कि ए और बी जो हैं ये हमारे पास दो नॉन कंजेक्टिव टर्म्स हैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और उनके दरमियान जो टर्म है जी ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगी। यहां से हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला डेवलप करते हैं। अगर मैं इन दो टर्म्स का कॉमन रेशियो निकालूं आर, तो वो मेरे पास होगी जी ओवर ए, और अगर नेक्स्ट दो टर्म्स की कॉमन रेशियो निकाली जाए तो वो होगी बी ओवर जी। क्योंकि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें कॉमन रेशियो जो है वो सारे प्रोग्रेशन में सेम होगी। इट मींस दैट जी ओवर ए इज इक्वल टू बी ओवर जी, और जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी एंड जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वेयर रूट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का बिटवीन टू टर्म्स। अगर हमने दो टर्म्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होगा तो हम उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वेयर रूट ले लेंगे। एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन थ्री एंड 27। थ्री और 27 के दरमियान हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। ए हमारे पास 3 है, बी 27 है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 स्क्वायर रूट। 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 9। सो ज्योमेट्रिक मीन इज प्लस 9 और माइनस 9। ये तो था कि हमने एक ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड करना है, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करें, तो एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने के लिए फिर हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पार एन माइनस वन। तो अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर टू इज
फाइंड टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन वन एंड 27. वन एंड 27 के दरमियान हमने दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं कि वन और 27 के दरमियान दो टर्म्स होंगी, जी वन एंड जी टू. ये दो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होंगे. जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बताया कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जितनी भी टर्म्स होंगी वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होंगे. तो इसका मतलब है कि हमने 1 और 27 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो उसके दरमियान जो दो टर्म्स होंगी वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगी. अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब हमने एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना होंगे तो हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन. यहाँ पे हमारे पास जरूरत पड़ेगी ए वन की और आर की, जो कि कॉमन रेशियो है. ए वन तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का पता है, लेकिन आर हमें फाइंड करना पड़ेगा. वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम इस लास्ट टर्म से फाइंड करेंगे. अगर ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो ये 27 जो है ये हमारे पास फोर्थ टर्म बनती है. तो फोर्थ टर्म जो है इसको जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए फोर इज इक्वल टू ए वन आर क्यूब. ए फोर हमारे पास गिवन है 27, ए वन भी है 1, आर हमने फाइंड करना है. तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू 3. जब हमारे पास R भी आ गया, ए वन भी आ गया, तो नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं. अगर हमने जी वन फाइंड करना है तो जी वन एक्चुअली हमारे इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म है. तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जनरल टर्म वाला, जो कि दूसरी टर्म के लिए हो जाएगा ए वन आर. तो यहाँ पे हम ए वन की जगह पे 1 पुट कर देंगे, आर की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 3. सिमिलरली जब हमने सेकंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तीसरी टर्म है ए थ्री. और ए थ्री जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए इस तरीके से लिखी जा सकती है, ए वन आर स्क्वेयर. हमारे पास ए वन भी है 1, आर भी है 3, स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9. सो 3 एंड 9 आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 27. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जाम्पल है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 192. थ्री एंड 192 के दरमियान हमने 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करते हैं. लेट कर लेते हैं हमारे पास के जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर एंड जी फाइव जो हैं ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स हैं. थ्री एंड 97 के दरमियान, थ्री एंड 192 के दरमियान होंगे 3, जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, जी फाइव, 192. ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देंगे. अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चंस में किया. हम फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल टर्म वाला, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पार एन माइनस वन, और उससे हम ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लेंगे. एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं
ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म्स ही हैं, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। लेकिन ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म हमारे पास है लेकिन कॉमन रेशियो नहीं है, तो कॉमन रेशियो हम इस टर्म से फाइंड करेंगे। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ये जो हमारे पास है ये एक्चुअली सेवन्थ टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेवन्थ टर्म के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, A7 इज इक्वल टू A1 R रेज टू पावर 6। अब हमारे पास A7 भी गिवन है, A1 भी गिवन है, R हमने फाइंड करना है। तो 192 इज इक्वल टू 3 इंटू आर रेज टू पावर 6, और R रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64, एंड R इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब हमारे पास R भी आ गया, A1 भी हमारे पास है, तो ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से पहले हमने फाइंड किए हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है ये एक्चुअली इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए अगर हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में हो जाएगा A1 R। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू हमारे पास है 3, फर्स्ट टाइम हम पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते हैं R की, 2 3 2 आर 6। सिमिलरली जब हम सेकंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म इन टर्म्स ऑफ जनरल फार्मूला ये हमारे पास हो जाएगी AR³। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। सिमिलरली थर्ड ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास फोर्थ टर्म होगी, AR³ ये हमारे पास आ जाएगा 24। सिमिलरली फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AR रेज टू पावर 4, ये हमारे पास हो जाएगा 48। एंड फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन सिक्स्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AR रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 96। सो 6, 12, 24, 48 and 96 आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 192। सिमिलरली जब आप R की जगह पे -2 पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -6, -12, -24, 48 and -96 इन 192 and 3। माइनस वाली वैल्यूज आप R की जगह पे -2 खुद पुट करके चेक कर लेंगे। इस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन्स को स्टडी किया, हम देखा कि दो नॉन कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये नंबर जो है जी उसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे अगर ए जी और बी जो है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। वहाँ से फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का एक फॉर्मूला देखा, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट, वेयर ए एंड बी आर द टर्म्स बिटवीन विच वी आर फाइंडिंग द ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखी, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 27। तो हमने फॉर्मूला यूज करते हुए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया। ये तो था जब हमने एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना था, लेकिन अगर जब हमने एक सीधा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होंगे तब हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन्स एक्चुअली टर्म्स होंगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हुए उनको फाइंड करेंगे।
सिमिलरली हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल में फाइव ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना थे, तो वो भी हमने जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड किए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.7 को सॉल्व करेंगे और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी तरीके से हैं कि हमने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना है, तो अब आप इजीली उनको कर सकेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको देख भी लेंगे।